तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत? उससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी रखना चाहता, नया उद्योग कोई नहीं आया माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन इन दो सालों में टोटल संख्या जम्मू प्रोविंस में उद्योगों की 12,997 तकरीबन 13,000 उद्योगों, और इनमें चल कितने रहे आज 5,890 और बंद कितने हुए 7,107। तो 60% माननीय गृह मंत्री जी उद्योग बंद हो गए, नया आया नहीं। यूटी बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, यूटी बनाने के बाद जो पुराने थे वो भी चले गए, क्योंकि अनसर्टनिटी है, इंसेंटिव्स खत्म किए गए। फिर ये जो 1-1.5 साल से 5 अगस्त 18 से जो गतिरोध बनता रहा, तो लोग भाग ही गए क्लोज। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ठीक नहीं था। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं। टेलीविजन में हो सकता, लेकिन रोड पे कोई डेवलपमेंट नहीं। सड़कों की कंडीशन बहुत खराब है, यहां तक मैं नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कल या परसों किसी विषय पे चर्चा करते हुए, कि एक स्ट्रेच है 30 किलोमीटर का बटोत से बानहाल तक, वो 7 साल से नहीं बन रहा। तो हमारा नेशनल हाईवे ही बंद रहता है साल में, बरसात में 2-3 महीने और 2-3 महीने विंटर में, तो 4 महीने नेशनल हाईवे ही बंद होता है।